हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीए जितेंद्र चौहान में। तो ये मैं आपके लिए इनकम टैक्स का पार्ट 6 लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों, ये हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। ये अपने सभी बेनिफिशियल हैं एमपीपीएससी टैक्स असिस्टेंट के लिए, जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसके लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए, पीएससी एग्ज़ाम के लिए, सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। और यार दोस्तों, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ यार उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको देने के लिए पूरी तमे पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो ये है कि डेली अलाउंसेस एंड कंस्टिट्यूंसी अलाउंसेस रिसीव्ड बाई मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए। तो जो हमारे पॉलिटिकल्स होते हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी या एमएलए, उनको जो डेली अलाउंसेस मिलते हैं, जो डेली अलाउंसेस मिलते हैं और कंस्टिट्यूंसी अलाउंसेस मिलते हैं, वो क्या, पहला क्या एग्जम्प्ट होते हैं, दूसरा क्या वो भी टैक्सेबल होते हैं, सी स्पेंड अमाउंट एग्जम्प्ट होता है या इंक्लूड इन द टोटल इनकम ऑफ फॉर द रेट ऑफ पर्पज़। तो दोस्तों, जो हमारे एमपी और एमएलए को जो अलाउंसेस मिलते हैं वो क्या होते हैं, वो एग्जम्प्ट होते हैं। क्या होते हैं? एग्जम्प्ट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। दोस्तों, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा यार, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ और आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने की प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इसे फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता प्राप्त होगी। और मैं चाहूँ तो आपको डिटेल में भी पूरा इनकम टैक्स पढ़ा सकता हूँ, अगर आपकी सपोर्ट मिलेगी तो। दूसरा हमारा जो एमसीक्यू है वो है कि जो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी रिसीव्ड 1.5 लाख पर मंथ एज ए सैलरी एंड 4.5 लाख पर मंथ पर एनम एज ए डेली अलाउंसेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22 और 23, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा। तो अभी अब हमने पढ़ा था कि जो हमारे एमपी और जो हमारे एमएलए होते हैं, उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं, वो क्या होते हैं, वो तो हमें मालूम है, एग्जम्प्ट होते हैं, लेकिन जो हमारे एमपी और एमएलए को जो सैलरी मिलती है, वो सैलरी क्या होती है, वो सैलरी टैक्सेबल होती है। अब वो किस हेड में होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें एमसीक्यू में दिया है कि सैलरी ₹18 लाख 18 लाख रुपए टैक्सेबल होगी, पीजीबीपी हेड में ₹22 लाख रुपए टैक्सेबल होगी, आईएफएसओ में ₹18 लाख टैक्सेबल होगी और डी नील होगी। तो दोस्तों, जो एमपी और एमएलए को जो सैलरी होती है वो टैक्सेबल होती है, और वो किस हेड में टैक्सेबल होती है, वो आईएफओएस में टैक्सेबल होगी। काहे में होगी? आईएफएस मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। कितनी होगी? 18 लाख पर एनम होगी, क्योंकि जो अलाउंसेस होते हैं वो तो एग्जम्प्ट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा सी, मतलब आईएफओएस में 18 लाख आपकी टैक्सेबल होगी, और जो ये 4.5 लाख अलाउंसेस है ये क्या होंगे, ये तो एग्जम्प्ट होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, वेयर द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इंक्लूड द इनकम ऑफ माइनर चिल्ड्रन इन सच इंडिविजुअल शैल बी एंटाइटल्ड टू बी एग्जम्प्शन ऑफ। तो जो जो हमारे जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल का कोई माइनर चाइल्ड है, तो हम पढ़ते हैं कि माइनर चाइल्ड की जो इनकम होती है कितनी, ₹1500 पर माइनर चाइल्ड। वो जो इंडिविजुअल की इनकम में जो ऐड की जाती है उसमें से उसको ये डिडक्शन मिलता है, ये क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है, एग्जम्प्शन प्राप्त होती है उसको। तो वो कितनी होती है, ₹1500 पर चाइल्ड होती है, बी ₹1500 पर माइनर चाइल्ड होती है, या लोअर कितना, ₹1500 पर माइनर चाइल्ड, या इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इंक्लूड द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी और ₹1500 पर चाइल्ड अप टू द मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो दोस्तों, जो या तो जो हमारी जो एग्जम्प्ट होती है वो या तो होती है ₹1500 पर चाइल्ड, या जो इंडिविजुअल की इनकम में इंक्लूड है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान चलो कि ₹800 इंक्लूड है, तो इन दोनों में से जो लोअर होगा उसका हमें एग्जम्पशन मिलेगा। तो इस केस में हमें कितना मिलेगा, हमें ₹800 की एग्जम्पशन मिलेगी। अगर हम एक केस और लें, जैसे कि मान चलो हमको ₹1500 पर चाइल्ड की एग्जम्पशन मिलती है
और जो इनकम इंक्लूड है वो कितनी है, 2,000 रुपये इंक्लूड है किसकी, इंडिविजुअल की इनकम में, किसकी, माइनर चाइल्ड की। तो इन दोनों में से लोअर है, तो इन दोनों में से लोअर कौन सा है, 1,500 रुपये है, तो आपको कितनी एग्जेंशन मिलेगी, 1,500 रुपये, मतलब विच एवर लोअर मिलेगी आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा सी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग गया हो, लग रहा हो, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। हमारा चौथा जो MCQ है वो है हमारा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन, अर्बन का मतलब होता है शहरी, शहरी जो है ना, शहरी एग्रीकल्चर लैंड सेल भी। अब मांग चलो, जो अगर मांग की चलो सरकार कंपलसरी एक्विजिशन कर रही है किसका, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का, तो वो क्या होगा। देखो सबसे पहला चीज़ है हमारे पास टैक्सेबल अंडर हेड कैपिटल गेन, बी टैक्सेबल अंडर हेड IFS, या एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1037 यदि सर्टेन कंडीशन आर सेटिस्फाई या नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों अगर कैपिटल गेन अराइज होता है कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ द अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, तो वो एग्जम्प्ट होता है 1037 में, अगर मान के चलो सर्टेन कुछ कंडीशन होती हैं अगर वो सेटिस्फाई करती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा सी। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है हमारा टैक्स हॉलीडे, है ना, 10AA फॉर न्यूली इस्टेब्लिश यूनिट ACZ इज़ अलाउ फॉर टोटल पीरियड। तो देखो जो हमारी ACZ यूनिट होती है, ACZ यूनिट होती है जो हमारी, ACZ मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, सरकार यहाँ पर क्या करती है, जो यूनिट लगाते हैं उनको सब्सिडी प्रदान करती है, क्या करती है, सब्सिडी प्रदान करती है या टैक्स हॉलीडे प्रदान करती है। तो वो जो हमारा 10AA के तहत जो हमारी यूनिट इस्टेब्लिश हुई है उसमें कितना, 5 ईयर्स का टैक्स हॉलीडे मिलता है। टैक्स हॉलीडे का मतलब उस टाइम उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, टैक्स हॉलीडे का मतलब उस टाइम उस पर टैक्स नहीं लगता है, या बी 10 ईयर्स होता है, या सी 15 ईयर्स होता है, या 20 ईयर्स होता है। तो दोस्तों जो टैक्स हॉलीडे है 10AA में वो हमें कितने साल के लिए प्राप्त होता है, 15 साल के लिए प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा सी 15 ईयर्स। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो दोस्तों यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट।